ओ यू आर अवर मीनिंग इन हिंदी क्या होता है, यह सरल हिंदी में सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा होने तक देख लीजिए। इंग्लिश में अवर शब्द का उपयोग विशेषण के रूप में भी होता है और सर्वनाम के रूप में भी। जब अवर का उपयोग विशेषण के रूप में हो तब उसका हिंदी में अर्थ होता है हम लोगों का, और जब अवर का उपयोग सर्वनाम के रूप में हो तब उसका हिंदी में अर्थ होता है हमारा या हमारे या हमारी या अपना। सरल भाषा में जब भी आप किसी ऐसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं जो आपके साथ साथ अन्य लोगों की भी है, तो आप माई के स्थान पर अवर का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अवर फैमिली अर्थात हमारा परिवार, और अवर फेस्टिवल्स अर्थात हमारे त्योहार इत्यादि। अब आपकी बारी है, वीडियो को लाइक करिए, अपने परिचितों में शेयर कर दीजिए।